गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लॉ के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फॉर 2021, इसमें कहीं ना कहीं आपका क्लैट भी कवर हो जाएगा, DU LLB, BHU, LSAT, SLAT, एनी अदर एग्ज़ाम जिसके भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारे आपके इसमें कवर अप हो जाएंगे। मेक श्योर कि ये मैंने कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड बनाए हैं जो कि लॉ का भी न्यू इंट्रोड्यूस हुआ करंट अफेयर्स, बट DU LLB और LSAT में भी आपके ऑप्शंस आ सकते हैं। अच्छा, कुछ इसमें अपॉइंटमेंट्स हैं क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अपॉइंटमेंट्स में भी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं आपके, तो अपॉइंटमेंट्स को आप एक बार उसी टाइम नेट से देख लीजिएगा, सो डेट ऐसा ना हो कि आपको लगे कि सर आपने तो एक महीने पहले बताया था अपॉइंटमेंट्स चेंज हो गया, मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो मेक श्योर अपॉइंटमेंट्स चेंज हो सकते हैं, बाकी अगर कोई भी उनके हेडक्वार्टर्स हैं कुछ भी है वो एज इट रहेंगे, तो डेट्स नॉट अ इशू। स्टार्ट करते हैं आगे, चलिए। अच्छा, अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी टेस्ट सीरीज या मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो फर्स्ट जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, टूर ऑफ ड्यूटी अलाउ सिविलियन ऑफ द कंट्री टू ज्वाइन इंडियन आर्मी फॉर ईयर्स, वॉट इज एक्स? एक्स क्या होगा यहाँ पे? एक्स में भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दे दे आपको, या एक्स में जो वैल्यू आएगी वॉट एवर कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप मिस कर दे आप पे, तो एक्स करके वो दे सकता है। तो एक्स कोई यहाँ पे वो नहीं है कि आप सोचे कि एक्स कोई वर्ड है यहाँ पे, नो, एक्स फिल द ईयर्स एंड सर्व द कंट्री एज एन आर्मी सोल्जर। द प्रपोजल इज येट अंडर प्रोसेस बट इट हैज सर्टेनली गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी। दिस कुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु वुड लाइक टू एक्सपीरियंस द वर्क ऑफ सोल्जर्स विदाउट एक्चुअली परस्यूइंग इट एज अ करियर। क्लियर हो गई बात? तो आपने टूर ऑफ ड्यूटी जो है आपका ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी मे बी आपके एग्जाम तक ये पास हो जाए, बट स्टिल चलिए। द प्रपोजल ऑफ टूर ऑफ ड्यूटीज एंड एफर्ट्स मेड बाई इंडियन आर्मी टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट दैट द कंट्री हैज टूवर्ड्स द इंडियन आर्म्ड फोर्स, दैट ये टूर ऑफ ड्यूटी को हम TOD भी पढ़ते हैं, TOD, विल बी लॉन्च विद अराउंड 100 वैकेंसीज फॉर ऑफिसर्स एंड थाउजेंड्स फॉर जवान्स। दिस कोर्स सेटअप बाई एन इंडियन आर्मी विल हेल्प विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीम वर्क, इनिशिएटिव, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इनोवेशन विद द सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। आर्मी स्पोक्समैन कर्नल अमन आनंद बास कोटेड बाई अ न्यूज सोर्स सेइंग दैट द स्कीम विल बी लॉन्च विद अ लिमिटेड सीट एज एन एक्सपेरिमेंट, इफ इट इज सक्सेसफुल वेंचर द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी इंक्रीज। तो देखिए, मे बी मैंने अभी कर्नल अमन आनंद का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया, आपका यहाँ पे एक्स आ जाए मेंशन करे हुए, तो आपको पता होना चाहिए कि किस पर्सन ने ये न्यूज़ जो थी सोर्स के थ्रू हमें मिली है। नाउ द टूर ऑफ ड्यूटी ऑफिसर लेवल हैज इंक्रीज सैलरी। अब देखिए, सैलरी है, मे बी वो सैलरी आपसे पूछे कि कितने से कितने तक की सैलरी उनने डिज़ाइन करी है अपना पर मंथ। वाइल द यूथ ऑफ इंडिया विल गेन बेनिफिट्स फ्रॉम द स्कीम, इवन द आर्मी विल हैव सम सिग्निफिकेंस फाइनेंशियल गेन इनकम इन कंपेरिजन टू द सोल्जर हु सर्व द मिनिमम टेन्योर इन द आर्मी। 10 से 14 ईयर्स तक डिपेंड है आपका TOD एंड उनकी जो आपका जो एक्सपेंसेस आएंगे वो 80 to 85 lakhs। ऑन दी अदर हैंड, शॉर्ट टेन्योर ऑफिसर एक्सपेंसेस 5.212 करोड़ to 6.8 करोड़। अभी जो मैंने अंडरलाइन किया है, मे बी ये पार्ट आपसे आपके MCQs में पूछ ले, फिलहाल मैंने यहाँ पे मैंशन कर दिया। लेट्स सी, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज, इंडियन आर्मी TOD will allow civilian to serve for years. What does X stand for? देखिए, यहाँ पे उन्हें X पूछ लिया है कि X जो है आपका किसके लिए स्टैंड कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे कि आपको बताया, X कहीं पे भी वो मेंशन कर सकता है। मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कि X वहाँ पे क्या आंसर है। तो ये आपकी, जितना आपने करंट अफेयर्स को ज़्यादा पढ़ा होगा, न्यूज़ रीडिंग करोगी, द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़े होंगे, उतनी जल्दी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो दिस आंसर इज 3, आंसर इज 3। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ ऑफ आर्मी
इंडियन आर्मी सिचुएटेड स्टाफ चीफ कौन बने अभी हमारे इंडियन में, तो ये तो बहुत न्यूज़ में भी रहता है, आई होप आपको आइडिया होगा। आंसर इज बी, जनरल मनोज मुकुंद नारवने। चलिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियन इंडियाज फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ, फर्स्ट चीफ डिफेंस स्टाफ, तो ये बहुत न्यूज़ में रहा था, जनरल विपिन रावत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये कॉम्प्रेंशन सेम है जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसके बेस दो क्वेश्चन है। वेयर इज द वर्ड्स ओनली हॉर्स सर्विंग कैवलरी ऑफ, तो आपके ऑप्शन है लखनऊ, पुणे, जयपुर एंड पटियाला, तो योर आंसर इज जयपुर। नाउ नेक्स्ट, इंडियन आर्मी कंडक्टेड संप्रीति 9th विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, चाइना, नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, तो आपका आंसर क्या है, योर आंसर इज डी बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के सामने की है। तो एक पैसेज था जिसके बेस आपके पास 5 क्वेश्चंस आए थे, तो आपको द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करना है और स्मॉल स्मॉल करंट अफेयर्स तो आपको देखना ही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट है हमारा, स्विट्जरलैंड हैज़ एक्सप्रेस सॉलिडरिटी विद इंडिया इन इट्स फाइट अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक, दे डिड सो बाई प्रोजेक्टिंग द ट्राई कलर ऑन द फेमस, देखिए यहाँ फिर एक्सपेंशन किया गया है, माउंटेन इन द स्विस एल्प्स टू गिव होप एंड स्ट्रेंथ टू ऑल इंडियंस, तो एक माउंटेन है जिसको उन्होंने वहाँ मैंशन किया है जो एक होप आशा के लिए है। स्विस लाइट आर्टिस्ट ग्रे हॉब्सलर हैज बीन लाइटिंग अप द 4478 मीटर पिरामिडल पीक स्ट्रेडलिंग बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड वाई, अब स्विट्जरलैंड और किसके बीच में आपने बनाया, विद स्पेक्टुलर डिस्प्ले ऑफ फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड मैसेज ऑफ होप एज पार्ट ऑफ नाइटली सीरीज सपोर्टिंग नेशन कॉम्बैटिंग द डेडली COVID-19 पेंडेमिक, तो आपने देखा यहाँ पे एक माउंटेन एक पर्वत का नाम आपको नहीं दिखाया है और यहाँ पे स्विट्जरलैंड के किसके संग उसने अपना किया, तो उसको उसने वाई पे मैंशन किया। नाउ As one of the most populous country in this world, India is suffering from the corona crisis. The challenges in such a large country are immense. The Indian flag on X is intended to express our solidarity and give hope and strength to all Indians. The tourism organization JERMA wrote on its Facebook page. अभी organization का जो नेम है मे बी ये आपको यहाँ पर नहीं दे, यहाँ X होगा, ये नहीं है। Now, इंडियन ट्राइकलर ऑफ मोर देन 1000 मीटर इन साइट प्रोजेक्ट ऑन एक्स, अब यहाँ एक्स क्या है कि कहाँ पे, अब ये आपसे पूछेगा ऑप्शन में, स्विट्जरलैंड टू एक्सप्रेस सॉलिडरिटी टू ऑल इंडियंस इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19, अ बिग थैंक यू टू एट द रेट मैट टूरिस्ट फॉर द गेस्चर द इंडियन एम्बेसी इन स्विट्जरलैंड ट्वीटेड, तो इंडियन एम्बेसी जो स्विट्जरलैंड उसने ये ट्वीट किया था, तो मे बी ये जो एट द रेट करके है ये आपसे एग्जाम्स में एग्जामिनर आस्क कर ले। नाउ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो शेयर द ट्वीट विद द कैप्शन सेइंग द वर्ल्ड इज फाइटिंग COVID-19 टुगेदर, ह्यूमैनिटी विल श्योरली ओवरकम दिस पैंडेमिक, एज द वर्ल्ड ग्रैपल्स विद द कोरोना वायरस पैंडेमिक स्विट्जरलैंड हैज बीन सेंडिंग आउट मैसेज ऑफ होप लव एंड एम्पैथी, द डेली प्रोजेक्शन हैव बीन इल्यूमिनेटिंग द माउंटेन सिंस द एंड ऑफ मार्च, तो एंड ऑफ मार्च ने जो अपना एक सिंबल बनाया था उसके लिए बोला है। चलिए अब इस पर भी आप जो क्वेश्चन आ सकते हैं हम उसको रीड आउट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्विट्जरलैंड एक्सप्रेस इट्स सॉलिडरिटी विद इंडिया ऑन इट्स फाइट्स अगेंस्ट द नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक बाई प्रोजेक्टिंग इंडियन फ्लैग ऑन माउंटेन, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच कंट्री एक्सप्रेस, किस कंट्री ने एक्सपेक्ट किया इंडियन फ्लैग ऑन माउंटेन, तो योर आंसर विल बी स्विट्जरलैंड। चलिए फिलहाल करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस माउंटेन दैट हैज बीन मार्क एज इन द पैसेज, अभी कौन सा माउंटेन है जिसके लिए उसने आपको किया है, तो योर आंसर इज मैटरहॉर्न, मैटरहॉर्न इज द राइट आंसर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट,
वेयर आर दी हेडक्वार्टर ऑफ WHO सिचुएटेड। हेडक्वार्टर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में भी आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा। WHO करेंट डायरेक्टर जनरल इज फ्रॉम विच कंट्री, फ्रॉम विच कंट्री, तो किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं बताइए, चाइना, इजिप्ट, इथोपिया, ब्राजील। योर आंसर इज इथोपिया। अब देखिए डायरेक्टर जनरल इन वर्च, ये मैंने करंट अफेयर्स बनाया है, अब आप जब करंट में एग्जाम देने आए तो प्लीज इसे एक बार पढ़ लें, रीड आउट कर लें करंट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द एक्स माउंटेन लाइज द जोग्राफिकल एरिया ऑफ स्विट्जरलैंड इन विच अदर कंट्री डेट हैज बीन मार्क वाई इन द गिवन पैसेज। अब वाई इस पैसेज में लिखा था स्विट्जरलैंड एंड, स्विट्जरलैंड एंड करके लिखा था, मैंने आपको मेंशन भी किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इटली। तो यहाँ पे क्या है, इटली, यहाँ पे इटली के लिए मेंशन किया, और यहाँ पे इंडिया का, इंडिया उसने अपना तय किया। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसी पैसे से रिलेटेड। वेयर आर दी हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड। तो ILO भी हम कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, स्विट्जरलैंड। मैक्सिमम जितने भी वर्ल्ड या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका जेनेवा स्विट्जरलैंड होता है आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज पे हमारा। इंडियाज फर्स्ट COVID-19 डिटेक्टिंग पेपर स्ट्रिप, अब यहाँ पेपर स्ट्रिप में एक्स लगाए, डिलीवर्स रिजल्ट विद इन अ मिनट। वन ऑफ द मोस्ट पर्टिनेंट अ क्वेश्चन गोइंग ऑन इन एवरी वंस हेड इज इफ दे आर इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस बट हैव नो सिम्टम्स इन अ मैटर ऑफ मिनट्स कर्टसी राइटर एंड फिल्म मेकर। अब यहाँ कौन फिल्म मेकर ने वाई लिख दिया है, पॉपुलर फिक्शनल डिटेक्टिव एक्स, यहाँ पे फिर एक्स लिख दिया, कुड नाउ क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो ये किसने डाउट्स आपके क्लियर करें ये आपको पता होना चाहिए, तो इसके लिए आपको करंट अफेयर आपको स्ट्रॉन्ग रहे, यू नीड टू स्ट्रॉन्ग योर करंट अफेयर। द एक्स इज अ पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप दैट डिटेक्ट्स द लेटेस्ट कोरोना वायरस इन एन आर। तो जो आपका पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप थी वो विद इन एन आर में कर सकता है, एक घंटे के अंदर, तो मे बी ये आपको एक्स के संग पूछा जाए। एंड कैन नाउ बी द सॉल्यूशन टू द अर्जेंट नीड फॉर रैपिड टेस्टिंग इन इंडिया। अ टीम लेड बाई टू साइंटिस्ट ऑफ बंगाली डिसेंट, डॉक्टर शौविक मेटी एंड डॉक्टर डिबुज्योति चक्रवर्ती। अब ये दो नाम जो हैं, टू साइंटिस्ट जो बंगाली हैं, इनके द्वारा टीम लीड करी गई है। एट द इंस्टीट्यूट टीम आउट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी CSTI की IGIV कहलाती है ये, तो मे बी IGIV आपका शॉर्ट में लिख के आए और उसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ले। ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन न्यू दिल्ली हैव कम विद अ सिंपल स्ट्रिप टेस्ट टू टेल यू इफ यू हैव COVID-19 इन मिनट्स। तो वो इन मिनट्स में आपको बता देता। द स्टडी यूज द स्टेट ऑफ द आर्ट, अब ये किस स्टडी पे बेस्ड था, तो ये था स्टेट ऑफ आर्ट जीन एडिटिंग टूल किस केस 9 टू टारगेट द आइडेंटिटी जीनोमिक सीक्वेंस ऑफ द नोवल कोरोना वायरस इन सस्पेक्टेड इंडिविजुअल सैंपल्स। क्लियर होगी बैट। द किट इज सिमिलर टू अ कॉम्पैक्ट पेपर स्ट्रिप टेस्ट यूज टू कन्फर्म प्रेगनेंसी एंड इज मच लेस कॉम्प्लेक्स एंड नीड्स नो स्पेसिफिक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज टू परफॉर्म। तो जो आपकी जो पेपर किट थी ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी से किट होती है कि आपने उसमें अपना जो सैंपल होता है जो आपने उस पर ड्रॉप आउट किया और आपके पास उसको टेस्ट की रिपोर्ट मिल गई, तो ये एक बहुत ही इन अ मिनट में आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये टीम, द टीम लीड बाई डॉक्टर शौविक एंड डॉक्टर देव ज्योति चक्रवर्ती इज करंटली टेस्टिंग द पैकेज इन द पेशेंट पॉपुलेशन फॉर इट्स एक्यूरेसी। नाउ इसकी एक्यूरेसी चेक करी थी एंड रिस्पॉन्सिवनेस एंड होप्स टू ऑब्टेन अप्रूवल विद इन अ वीक, और ये एक वीक के अंदर चाहे थे कि इसे अप्रूवल मिल जाए फ्रॉम ICMR नाउ इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल रेगुलेटरी बॉडी। तो ये ICMR का अब्रिविएशन है, मे बी आपके एग्जाम में आज कर लिया जाए। अनलाइक द रियल टाइम PCR टेस्ट करंटली बींग यूज फॉर COVID-19 डायग्नोसिस इन इंडिया विच कॉस्ट अबाउट 4500, द पेपर स्ट्रिप कॉस्ट लेस देन 500। तो आप देखिए कॉस्टिंग का भी कितना डिफरेंस आ रहा है, तो मे बी आपके कॉस्ट भी पूछ सकता है। इट ऑल्सो डज नॉट रिले ऑन
एक्सपेंसिव रियल टाइम पीसीआर मशीन फॉर आरएनए आइसोलेशन। ये रियल टाइम पीसीआर फॉर आरएनए जो है डीएनए कन्वर्सन एंड एम्पलीफिकेशन विच आर ऑलरेडी इन लिमिटेड सप्लाई। ऑल दो दिस मैटर हैज़ बीन टेस्टेड बाई साइंटिस्ट इन अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड द मैसेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। इट इज़ द फर्स्ट सच इन इंडिजनस टेस्ट किट टू बी डेवलप्ड इन इंडिया बेस्ड ऑन क्रिप्स CRISPR या क्रिप्स टेक्नोलॉजी। क्लियर हो गई बात? तो मेनली कौन लोग थे इसमें आपको बता दिया दिव्यज्योति जी, और किस पे बेस्ड थी, कॉस्टिंग क्या थी, इंडिया में फर्स्ट टाइम हुई, और इसका कहाँ पे रिसर्च कराया गया। चलिए इससे बेस्ड क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर एक्स करते हैं स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया फर्स्ट COVID-19 डिटेक्टिंग पेपर स्ट्रिप टेस्ट विच हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड एक्स। अब ना उसमें फिर वही एक्स की जगह क्या आएगा आपका ये पूछा है, तो आंसर है FELUDA, FELUDA इज द राइट आंसर। किस पे बेस्ड था ये टेस्ट, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन 42, हु अमंग द फॉलोइंग इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR। तो डॉक्टर बलराम भार्गवा, लेकिन करंटली में कौन है ये आपको इसे देखना होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, विच कंट्री हैज क्लेम टू आइसोलेट द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज फॉर द फर्स्ट टाइम टू फाइट अगेंस्ट द कोरोना वायरस। तो योर आंसर इज डी, इजराइल। तो फर्स्ट टाइम किसने किया हमारा, इजराइल ने। नाउ ओनली टू क्वेश्चन लेफ्ट, वेयर वाज इंडिया फर्स्ट COVID-19 डिटेक्शन बस लॉन्च्ड। तो योर ऑप्शन इज मुंबई, पुणे, लखनऊ एंड नोएडा। तो योर आंसर इज मुंबई। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इन द अबव पैसेज एक्स हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर अ पॉपुलर फिक्शनल करेक्टर डेवलप्ड बाई वाई इन हिज प्ले, हु इज वाई बींग रिफर टू ओवर हियर। जो वाई था ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका आंसर है सत्यजीत राय, सत्यजीत राय। तो आई होप थोड़ा क्लेट का आपका इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ कंप्लीट हुआ होगा, कैसे करंट अफेयर्स करने हैं डेली, जो लास्ट डे के करंट अफेयर्स हैं प्लस देसी है कि धीरे धीरे हम इसको करते रहेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हीं को हम ले सकते हैं, प्लस डेली टॉप 10 से 15 क्वेश्चंस अपडेट मैं आपको करता रहूँगा, उसके थ्रू आपकी एक आप अपना करंट अफेयर्स को अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के लिए चल सकते हैं उसके लिए, ठीक है। चलिए थैंक यू आज के लिए इतने के लिए, बाकी आप स्टडी मटेरियल कोई भी अपडेट के लिए अपनी ये ट्यूटर्स फोरम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। कोई भी आपको डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो आप टेलीग्राम पे ट्यूटर्स फोरम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, क्लियर, और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बल्कि ऐप के थ्रू आप अपना चैट के थ्रू कन्वर्सेशन भी मुझसे कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं। चलिए थैंक यू।